नींद सबको प्यारी लगती है। सुबह उठ के पढ़ना हर किसी के बस की नहीं होता। सुबह 4 बजे उठ के जब तुम किताबें पढ़ते हो तो ये बहादुरी का काम है। इसका रिजल्ट कुछ सालों बाद नजर आता है। तुमने अगर 10वीं 12वीं में मेहनत की है और अब तुम मेहनत करोगे तो तुम देखना लाइफ आगे अगले 25, 30, 40 साल आराम से कटेंगे। और ना तुमने पहले मेहनत की ना तुम अब मेहनत करने को तैयार, तो अगले 40 साल नरक का जीवन जीना पड़े। किसी के साथ लड़ना झगड़ना बिना बात अपने टाइम नहीं खराब करना, चुपचाप शांति से मेहनत करते रहो। जिस दिन रिजल्ट आएगा, तुम सेलेक्ट हो जाओगे, नौकरी पे तुम जाने लगोगे, अपने आप ही जवाब मिल जाएगा। और गरीबी काटने का सबसे आसान रास्ता, मैंने खुद भी ये देखा, अगर आप गरीब भी है ना तो सिर्फ पढ़ाई से आपकी गरीबी कटेगी। भगवान ने जिस घर में जन्म दिया उसको बदल नहीं सकते, माँ बाप जैसे हैं, भाई बहन उसको बदल नहीं सकते। बदल सकते हैं आने वाला भविष्य, कि भाई इतने काबिल बन जाएं कि माँ बाप के स्तर को भी हम बदल सकें, आने वाली पीढ़ी को बदल सकें। इतने स्टूडेंट्स आते हैं बीटेक किए हुए, कितनी ही लड़कियां आती हैं जो बीटेक करके आती हैं, ऐसी बहुत सारे लड़के हैं, जाना कहीं होता है कुछ और डिग्रियां कर रहे होते हैं। सबसे बेस्ट होता है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी एक एवरेज परिवार के लिए, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। और हम सब लोग एवरेज परिवारों के ही हैं, तुम और मैं, हम सब एक परिवारों से ही। हमारे घरों में ये नहीं होता कि आप बैठ के 25-30 साल तक, 50 में जो काम करना चाहते हो तुम 55 में कर लेना, फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब तुम अगर नहीं पढ़े तो 5 साल बाद तुम्हारी जिंदगी एक अलग ट्रैक पे होगी, वापस नहीं लौट सकते। जो करियर का रास्ता है ना वो एक ही बार चूज किया जा सकता है, तो उसमें अपना सही ट्रैक पे दौड़ना। अब देखते देखते इलेक्शन 2024 आने वाला है, इलेक्शन की तैयारी 1-1.5 साल पहले से जम के स्टार्ट हो जाती है, पता है ना ये, क्योंकि उसके बाद तो फिर आगे आचार संहिता लग जाएगी। 2022 के ये 6 महीने और 2023 पूरा, इतनी नौकरियां आएंगी कि जिसकी कोई गिनती नहीं है, कभी किसी डिपार्टमेंट में कभी किसी में। सरकार जानबूझ के ऐसा करेगी क्योंकि सरकार को पता है कि 1-1.5 साल जब लोगों के घरों में नौकरी जाएंगी तो वो सरकार के प्रति पॉजिटिव हो जाएंगे। इस दौर में हम 12वीं तक जो भी करके आए ना उसका फायदा तब है जब हमें नौकरी मिल जाए। अगर तुम्हें जॉब नहीं मिली, तुमने कुछ किया हो, चाहे तुम टॉपर थे, तुम 12th में हाईएस्ट मार्क्स लाए, तुम इंडिया में टॉप कर गए, लेकिन उसकी वैल्यू नहीं है। समाज सोसाइटी पूछता है कि आप कितना कमाते हैं। ये सब 10th 12th ग्रेजुएशन पीजी, इनका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसका फर्क पड़ेगा कि अगर आपको जॉब मिल गई गवर्नमेंट जॉब तो हर किसी की नजरों में आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो चलो खूब पढ़ो, मेहनत करो, 1 साल अपने ऊपर इन्वेस्ट करो ताकि कहीं स्टैंड कर पाओ, ठीक है।